हेलो बच्चों, जैसा कि आज मैं शुरू करने वाला हूँ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटैलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड। तो एक्चुअली एक टर्म आता है यहाँ पे मेटैलिक ऑक्साइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटैलिक ऑक्साइड? मीन्स ऑक्साइड विच इज कंसिस्ट विथ मेटल एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बोलेंगे? मेटैलिक ऑक्साइड। और दूसरी जगह पर अगर हम बात करें नॉन मेटैलिक ऑक्साइड की, तो जब ऑक्साइड ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल से बाइंड करके कंपाउंड बनाएगा तो उसे क्या बनाए बोलेंगे हम? नॉन मेटैलिक ऑक्साइड। एक्चुअली व्हेन अ मेटैलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। एज इट इज इन केस ऑफ नॉन मेटैलिक ऑक्साइड, व्हेन नॉन मेटैलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। इन बोथ केस वी हैव सेम प्रोडक्ट, but only we have change in reactant. You know reactant before the arrow, product after the arrow. You can say right side the arrow product and left side the arrow reactant. So today I discuss about the metallic oxide and few reaction which is carry metallic oxide and form salt plus water. So let us onboard reaction of metallic oxide with acid. So you know reaction of metallic oxide with acid. As you know, now I discuss about the metallic oxide. Metallic oxide means metallic oxide equal to metal plus oxygen. Means when a metal bond with calcium is a metal, magnesium is a metal, and oxygen. So, jab metal hamara oxygen se bind karega, when metal bind with oxygen, then we say it is metallic oxide. So, other example of metallic oxide. So, here I discuss about a general equation. When a metallic oxide react with acid, then it forms salt plus water. So I take a example here. Calcium oxide. ये देखिए metal है, metal के साथ oxygen. तो इसको क्या बोल दिया हमने? Metallic oxide. और ये HCl जैसा कि आप जानते हैं hydrochloric acid. So it is acid. When it react with metallic oxide, then it forms salt plus water. तो आपने देखा कि जब ये हमारा क्या किया है, मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट किया है एसिड, तो हमारा जो साल्ट बना ये क्या? कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट है और ये हमारा वाटर बन गया। तो ये भी एक तरह से क्या होगा? न्यूट्रल होगा नेचर में। हमने बताया साल्ट का जो पीएच वैल्यू होता कितना होता है? 7 होता। तो ये न्यूट्रल ही होगा नेचर में। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी मेटल, तो इसे क्या बोला हमने? मेटालिक ऑक्साइड। अब HCl आप जानते हैं एसिड है, और MgCl2 साल्ट बना और वाटर बना। तो आप देखा कितना सिंपल, आपने बहुत ही सिंपल है। आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप कुछ लर्न भी करना चाहते हैं तो आप क्या लर्न करेंगे? ये जनरल इक्वेशन लर्न करना चाहिए आपको, और कुछ भी लर्न भी नहीं करना, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा। इतनी ज़्यादा आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन याद नहीं करनी। आप देख रहे होंगे बोर्ड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट आई लेफ्ट अबाउट द बेस। एक्चुअली बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा बेस होता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। बहुत बार बोर्ड में क्या करता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और इसी तरह से दे देगा, मतलब कि कोई बेस दे देगा और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा, और आप क्या करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिख के चले आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में फीड क्या है कि एसिड तो रिएक्ट करता बेस भी करेगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अगली हेडिंग जो होगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। सो प्लीज नोट डाउन।